बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं, जिनके बारे में संदेह है कि ये माफियाओं के पक्ष में जारी किए गए थे। पिछले महीने आयोजित नीट परीक्षा से पहले कथित लीक प्रश्न पत्र की मांग करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से 30 लाख रुपए से अधिक की मांग की गई थी। ईओयू के उप महानिरीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि जांच के दौरान ईओयू के अधिकारियों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए, जो उन अपराधियों के पक्ष में जारी किए गए थे जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। उन्होंने बताया कि जांचकर्ता संबंधित बैंकों से खाताधारकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईओयू ने कथित नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 परीक्षार्थी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी बिहार के हैं। डीआईजी ने बताया कि ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को बिहार से 7, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 1-1 को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए किया गया था। नीट यूजी 2024 का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित होते ही हंगामा मच गया और कई छात्रों ने विसंगतियों का आरोप लगाया। नीट यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए की ओर से आयोजित की जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी थी कि कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनको ग्रेस नंबर दिए गए, दूसरा 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं।